कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। विश्व जल दिवस पर मेरठ जागृति विहार स्थित BDS स्कूल ऑफ लॉ में आयोजित संगोष्ठी में तेजी से बढ़ते जल संकट पर गहन चिंता व्यक्त की गई। कहा गया कि मेरठ जिले में 591 तालाब हुआ करते थे एक समय, लेकिन आज वे तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। आज यह बड़ी चुनौती है कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंच सके। भारत सरकार द्वारा 2030 तक हर घर शुद्ध जल पहुंचाने की योजना में प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह इसमें सहयोग करे। इस मौके पर जल संरक्षण की भी वकालत की गई। फर्स्ट बाइट और TV के कैमरे ने जटिल होती इस समस्या पर सामने आए विचारों को कैद किया है। देखिए, मैं डॉक्टर मधु वत्स पर्यावरण के लिए काम करती हूँ। डिग्री कॉलेज में बॉटनी की विभागाध्यक्ष हूँ बागपत में, और लगभग 15 साल से हम लोग पर्यावरण पर काम कर रहे हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि BDS लॉ कॉलेज ने मुझे इनवाइट किया और वर्ल्ड वाटर डे पर, जिसका थीम है वाटर फॉर पीस, उसके लिए मुझे एज अ कीनोट स्पीकर अदर कीनोट स्पीकर्स के साथ बुलाया। आज हमारे देश में 65% यूथ है, और स्कूलों के माध्यम से, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, यदि विदेशों की बात ना करके हम अपने देश के यूथ को मोटिवेट करके और रियल इम्प्लीमेंटेशन पर काम करेंगे तो मुझे लगता है बदलाव बिल्कुल दिखेगा। बाकी चीज़ें मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ ऐसे इंस्टीट्यूट्स को जो इस तरह के सिम्पोजियम या कॉन्फ्रेंसिस को लगातार कर रहे हैं और प्रैक्टिकल ग्राउंड पर चीज़ों को समझ और करने का क्रियान्वयन करके आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर मनोज शर्मा है, प्रिंसिपल BDS स्कूल ऑफ लॉ, जागृति विहार मेरठ। हमारे यहाँ आज एक संगोष्ठी का आयोजन विश्व जल दिवस के अवसर पर कराया जा रहा है, और हम इस दिवस को हर साल ही मनाते हैं, और बड़ी बड़े डिग्निटरीज और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को हम बुलाते हैं। हमारा कॉलेज जगह जगह गांव में जाकर भी जब कैंप लगाता है तो वहां भी जल संरक्षण के लिए लोगों को अवेयर करता है, क्योंकि जल के संकट से दूर अगर किया जा सकता है तो सिर्फ यही एक रास्ता है कि जल को संरक्षित किया जाए। हमारे शहर में जो काली नदी है, जैसे वो बहुत पहले साफ हुआ करती थी, लेकिन अब औद्योगिक जो क्रियाकलाप हैं उनके कारण वो बहुत दूषित हो गई है। उस पर भी काफ़ी कार्य लोग कर रहे हैं, और BDS स्कूल ऑफ लॉ भी जल संरक्षण के लिए कार्य करता है, और अपने यहाँ पर हमने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगा रखे हैं, तथा अपने सभी स्टूडेंट्स को हम इस बात के लिए अवेयर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल संरक्षण किया जाए, पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। आई एम डॉक्टर विकास कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर CCS यूनिवर्सिटी मेरठ। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज पानी का जीवन में क्या है, सेव लाइफ, सेव वाटर सेव लाइफ। बिना पानी के आदमी जीवित नहीं रह सकता। जिस तरह हमने एक कविता बचपन में पढ़ी थी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आज यही कंडीशन इंसान की हो रही है कि उसे पानी की बड़ी किल्लत हो रही है, उसे पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा है। अगर हम देखें कि जो पानी हम आर ओ के रूप में पीते हैं, बिस्लरी के रूप में पीते हैं, उसको साफ करने में कितना पानी वेस्ट होता है, तो वो भी रोकना चाहिए। और हमें अपने पानी को, जो हमारे यहाँ पानी उपलब्ध है, उसको ठीक तरह से पीना चाहिए। मैं डॉक्टर अनुराग सिंह, वर्ल्ड वाटर डे पर जो थीम है उससे रिलेटेड बोलने के लिए आया हूँ BDS मेरठ कॉलेज में। हम जब देख रहे हैं आज हमारे देश की हालत, तो बेंगलोर में जो है करीब 2300 तालाब थे और वो घटके अब 30 तालाब रह गए हैं। पानी का संकट जो गहराता जा रहा है, और लगातार जो है स्थिति ये आ रही है कि बहुत सारे शहर ऐसे हैं, चाहे हम लातूर को उठा कर देखें, चाहे हैदराबाद को देखें, और भी बहुत सारे साउथ के शहर ऐसे हैं जहां पानी का संकट गहराता जा रहा है। तो इस संकट से निपटने के लिए, संकट को से दूर करने के लिए हम सबको जागृत होना पड़ेगा, हम सबको जो है इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।